शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अरे हरीश भाई, अरे क्या कर रहे हो आप? शर्म नहीं आती तुम्हें? एक हफ्ता हो चुका है और तुम रोज फोन पे बोलते हो मुझे कल पैसा दूंगा मैं, लेकिन तुम्हारा कल आज तक नहीं आया यार। देखो आनंद, बहुत प्यार से बोल रहा हूँ मैं, मेरे पैसे वापस कर दो वरना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए और अब तुम्हारे परिवार के लिए भी। अरे हरीश भाई, आप मेरी बात तो सुनिए, एक बहुत ही सॉलिड पार्टी मिली है जो हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। उनसे हमें बहुत बड़ा अमाउंट मिल सकता है जितना आप सोच भी नहीं सकते। उसमें से एक हिस्सा आप रख लेना, बाकी से मैं इस बिजनेस को आगे बढ़ाऊंगा। आपको अभी तक अफसोस होता होगा ना इस बिजनेस में इन्वेस्ट करके, लेकिन आगे आपको जो प्रॉफिट होने वाला है आप सोच भी नहीं सकते। कौन सी पार्टी है? अरे हरीश भाई, एक लड़की है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, प्योरली बिजनेस की बात है। बस आपको मेरी तरह उसके सामने बड़ी बड़ी बातें करनी होगी और कुछ नहीं। आपसे वादा करता हूँ सारे के सारे लॉसेस सब पूरे कर दूंगा। प्लीज प्लीज कोऑपरेट विद मी। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है। ये हैं हमारे बिजनेस पार्टनर हरीश चौहान और ये हैं मिस कामनी। हेलो। हाय। तो आनंद ने आपको विशाल ने आपको जो प्रोजेक्ट फाइल दिखाई है कैसी लगी? प्रोजेक्ट रिपोर्ट की कोई जरूरत नहीं है, वैसे आपकी क्या रिक्वायरमेंट है? जी हमारा प्रोजेक्ट 7 करोड़ का है और हमें 5 करोड़ रुपए चाहिए। मैं विशाल के लिए किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकती हूँ, लेकिन मेरी एक छोटी सी शर्त है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कुछ रूल्स हैं। 2% मेरी कंपनी में आपको डालने होंगे रजिस्ट्रेशन फीस, जो 5 करोड़ आपके अकाउंट में आ जाएंगे। तो फिर ठीक है, हमारी फिर डील डन है? नहीं, मुझे 2 दिन का समय दीजिए। ठीक है, मैं चलती हूँ, मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। बाय बाय बाय। हेलो। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। कहाँ जा रहे हो आप? थोड़ा अर्जेंट है, 1-2 घंटे में आ जाऊंगा। बाबूजी आनंद महेश भैया के घर पर भी नहीं है। बहू, आनंद को गए 5 घंटे हो गए। अब मैंने ऑफिस में भी फोन किया था, वो वहां पे भी नहीं है। हम पुलिस स्टेशन चले क्या? नहीं, अभी नहीं, हो सकता है वो कहीं पे ठीक से हो। अब पुलिस को खबर करके हम खामखा पुलिस के चक्कर में हो जाएंगे, हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए। आनंद का फोन उठाइए ना। हेलो। प्रणाम बाबूजी, अपने बेटे की राह देख रहे हो क्या? कौन बोला है? अरे भाई, जिसने आपके बेटे को किडनैप किया है। किडनैप?
अगर चाहते हो तुम्हारा बेटा सही सलामत घर पे आ जाए तो जो बोलूं वो करना पड़ेगा। नहीं, मेरे बेटे को कुछ मत करना, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। ए बुड्ढे, जल्दी से 20 लाख रुपए का इंतजाम कर। 20 लाख? इतने पैसे मेरे पास नहीं है, मैं कहां से इंतजाम करूंगा? तो झूठ बोलने की कोशिश मत कर, मैं सब पता है, बहुत पैसा है तेरे पास। जो बोला है वो जल्दी करेगा तो तेरा बेटा वापस आएगा, समझा? और अगर पुलिस से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की ना तो तेरे बच्चे को मार दूंगा मैं। मैं सच कह रहा हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। ये झूठा रोना धोना बंद कर, पैसों का इंतजाम कर। आधे घंटे में फिर से फोन करूंगा। मेरे बेटे आनंद को कुछ मत करना, मैं देखता हूँ, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ पैसे का। बाबूजी, मुझे बहुत डर लग रहा है, हम कहाँ से लाएंगे 20 लाख? हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है और हम किसी को मांग भी नहीं सकते। बहू, बैंक में मैंने 3 लाख रुपए इमरजेंसी के लिए बचा कर रखे थे, मैं वही पैसे किडनैपर को देकर अपने आनंद को बचाऊंगा। हाँ, ए, ए, इंतजाम हुआ 20 लाख का? बेटा, मेरे पास सिर्फ 3 लाख रुपए हैं, ये मेरे जीवन भर की कमाई है। सिर्फ 3 लाख रुपए? अबे सब्जी मंडी में आएगा सब्जी खरीदने? इस उम्र में इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा और किसी को बता भी तो नहीं सकता। अगर किसी रिश्तेदार से मांगा तो पूछेंगे कि इतनी रात को पैसे क्यों चाहिए, और बात पुलिस तक पहुंच गई तो? हाँ ठीक है ठीक है, तुम आनंद के अकाउंट में पैसे डाल देना, हम निकाल लेंगे। और सुन, पुलिस के पास जाने की गलती मत करना, क्योंकि तेरी एक गलती तेरे बच्चे की जान तक ले सकती है, समझा? नहीं, मेरे बेटे को कुछ मत करना। हेलो, हेलो, दो मोबाइल होते थे और एक मोबाइल उसी कार में था जिस कार से यहां पे तुम लोग लेकर आए उसे। उस फोन को हमने ट्रेस किया और यहां तक पहुंच पाए। ए, बता आनंद किधर है? अंकल, आनंद का मर्डर हो गया है। आनंद को क्यों मारा, बोल। मारने का इरादा नहीं था, वो तो मुझसे भी बड़ा कमीना था, दिखावा किया कि वो अमीर है, पर सच्चाई तो किडनैपिंग करने के बाद ही पता चली। पैसे तो हमें चाहिए ही थे, तो हमने सोच लिया कुछ भी हो जाए पैसे लेके शहर छोड़ दो, पर उसमें भी उसकी होशियारी थी, भागने की कोशिश की तो हम दोनों ने उसे मार दिया।